जय दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भौतिक के ऊपर मैंने बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो बनाए थे। इसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर कहते हैं कि सर उस पर वीडियो बनाइए, सर उस पर वीडियो बनाइए। तो मुझे टाइप करके बोलना पड़ता है कि अरे भाई, मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। तो मैंने आज जो काम किया है वो यह है कि बहुत सारे वीडियो को एक जगह करके आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं तरंग से हमारे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है तरंग। सबसे पहली बात कि आखिर तरंग है क्या? तो दोस्तों, तरंग एक विक्षोभ होता है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। दूसरा क्वेश्चन है कि तरंग कितने प्रकार के होते हैं। मैंने यहाँ पे दिया हुआ है पहला यांत्रिक तरंग, दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग में अंतर क्या है। तो यहाँ सबसे बड़ा अंतर क्या है कि यांत्रिक तरंग में जो कण गमन करता है उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम का मतलब हो गया आपका ठोस, द्रव और गैस। यांत्रिक तरंग में क्या है, कण के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग। लेकिन पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, यांत्रिक तरंग भी दो प्रकार के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ और एक को हम लोग बोलते हैं अनुदैर्ध्य। तो पहले अनुप्रस्थ को देखते हैं। जैसे देखिए, माध्यम में जो कण होता है उसका गमन जो है वो तरंग गति के लंबवत कंपन करता है। तो फिर यहाँ पे हिट पॉइंट क्या है, कैसे गमन कर रहा है, तो लंबवत गमन करता है। जैसे मैंने यहाँ फिगर बनाया हुआ है, ऐसे ये तरंग गति है और ये कैसे कर रहा है, ऐसे लंबवत कंपन करते हुए आगे बढ़ रहा है, उसे हम लोग कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहेंगे, तो जब कण का गमन तरंग गति के आगे, जैसे ये आगे जा रहा है, आगे पीछे कंपन करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग। फिर देखते हैं अनुप्रस्थ में दूसरा नोट क्या है, यह श्रृंग और गर्त बनाता है। ठीक, अब मैंने यहाँ फिगर जो बनाया हुआ है, जो ऊपर में देख रहे हैं ये वाला हो गया आपका श्रृंग और जो नीचे देख रहे हैं ये हो जाएगा आपका गर्त। यहाँ देखते हैं अनुदैर्ध्य में, इस यह संपीड़न ठीक और विरलन बनाता है, यानी ये वाला जो जहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग देख रहे थे ये हो जाएगा आपका संपीड़न और नीचे लोग देख रहे हैं वो हो जाएगा क्या, विरलन। फिर देखते हैं अनुप्रस्थ में तीसरा नोट क्या है, यह ठोस और द्रव माध्यम में उत्पन्न होता है। ऐसे दोस्तों, ये सिर्फ केवल ठोस में ही गमन करता है और जो द्रव होता है द्रव के सतह पर ही ये विक्षोभ के रूप में गमन करता है, यानी उत्पन्न हो सकता है। द्रव के अंदर अनुप्रस्थ तरंग भी नहीं चलता है। उसके बाद देखते हैं अनुदैर्ध्य में, यह तीनों माध्यम में उत्पन्न होता है। ठीक, यह तीनों माध्यम में उत्पन्न होता है, इसका मतलब ठोस, गैस और द्रव तीनों माध्यम में चलता है। यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, इसको ज़्यादा देखते हैं। ये एक आपका एक लाइन दे दिया गया है ऊपर और नीचे, यानी आप जैसे हम कह सकते हैं एक हो गया श्रृंग और नीचे हो गया गर्त। मैंने ए बी सी डी ई दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे मैंने छोटा वाला ए वाला अंकित किया हुआ है। छोटा ए का मतलब हो गया आयाम। तो भाई आयाम किसे कहेंगे, तो उसे कहेंगे जब कण जो गमन कर रहा है और कितना विस्थापित हो रहा है, यानी सबसे अधिक जो विस्थापित हो रहा है इसके बीच की दूरी, विस्थापन की बीच की दूरी को हम लोग ए से डोनेट करते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं आयाम। ठीक, जितना अधिक विस्थापित करता है और विस्थापित किया हुआ दूरी को आयाम कहा जाता है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए एक श्रृंग हो गया, ये आपका दूसरा श्रृंग हो गया, इस दो श्रृंग के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। या हम कह सकते हैं दो गर्त के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, तरंग दैर्ध्य। उसके बाद कहा जाता है कि भाई कंपन करने में आपको समय लगेगा। ठीक, कंपन करने में जितना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, आवर्त काल। एक क्वेश्चन और भी आता है आवृत्ति, आवृत्ति किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कंपन, एक कंपन करने में जितना समय लगा यानी समय को किया गया तो आवर्त काल हो गया, और आवृत्ति में क्या हो जाएगा कि एक सेकंड में जितना कंपन करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, आवृत्ति। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। पहले ही क्वेश्चन आ गया है, गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी ठोस, गैस, द्रव किसी के लिए आवश्यकता नहीं होती। तब मैंने एक यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है गुण या तथ्य। ठीक,
सबसे बड़ी बात कि विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किसने की, तो वो किए थे मैक्सवेल। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, यह किस चीज की बनी होती है, तो फोटॉन की बनी होती है, बहुत छोटी कण है और इसे ऊर्जा का बंडल भी कहा जाता है। दूसरा फैक्ट देखते हैं, तीसरा, इसकी चाल यानी विद्युत चुंबकीय की चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है। तीसरा नोट है, यह उदासीन तरंग, उदासीन होता है। तीसरा क्या है, इसमें ऊर्जा और संवेग दोनों होता है। ठीक, अब आते हैं कि भाई विद्युत चुंबकीय जो तरंग है कितने हैं, तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है, उसको जरा देख लेते हैं। पहला लिख दिया हमने गामा किरणें। ठीक, गामा किरणें की खोज किसने की, तो बेकुरेल ने। अब गामा किरणें का उपयोग किस चीज में किया जाता है, एक उपयोग ही ज्यादा एग्जाम में आपका आता है, इसलिए थोड़ा सा इसको गौर से देखिएगा और याद भी कर लीजिएगा। गामा किरणें का उपयोग किस चीज में किया जाता है, तो वो किया जाता है नाभिकीय अभिक्रिया में। जैसे नाभिक अभिक्रिया, जैसे आप कह सकते हैं नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, तो ये सब में। और दूसरा, कृत्रिम रेडियो सक्रियता बनाने में। जैसे रेडियो सक्रियता का मतलब होता है कोई तत्व स्वतः विखंडित होकर कुछ किरणें उत्सर्जित करते हैं, तो कोई तत्व स्वतः विखंडित हो जाता है, यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है, कृत्रिम। अगला, एक्स किरणें। एक्स किरणें का खोज किसने किया, तो रोंजन ने। और इस एक्स किरणें का उपयोग किस चीज में किया जाता है, तो चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है, औद्योगिक क्षेत्र में भी किया जाता है, जासूसी में भी किया जाता है। अगला देखते हैं, परावैगनी किरणें। ठीक, यानी अल्ट्रा वायलेट। और इसकी खोज किसने की, तो रिटर्न ने। ठीक है, परावैगनी किरणों की खोज किसने की, तो रिटर्न ने। और इसका उपयोग किस चीज में किया जाता है, तो जीवाणुओं को नष्ट करने में। अलग रखते हैं, दृश्य विकिरण। अब जैसे सूर्य की रोशनी है, बल्ब की रोशनी है, तो दृश्य विकिरण का जो स्रोत होता है वो कहाँ से है, तो सूर्य से है, ज्वाला से है और विद्युत बल्ब से है। इसकी खोज किसने की, तो न्यूटन ने। और इसका काम क्या आता है, तो भाई वस्तु को देखने के लिए इसका उपयोग ये हम लोग करते हैं। अगला है औरक। औ मतलब इन और रक्त मतलब लाल, तो औरक मतलब हो गया इंफ्रारेड किरणें। इसकी खोज किसने की, तो इनकी खोज हर्सेल ने की। ठीक, थोड़ा सा मिट गया है, हर्सेल ने की। अब औरक किरणों का उपयोग किस चीज में किया जाता है, तो मैं कहूँगा कि इसको जरूर याद कीजिएगा, VVI है। कोहरे में चूंकि वेदन क्षमता अधिक होती है, इसलिए इसको इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है। दूसरा, TV के रिमोट में किया जाता है और रोगी के सिकाई में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला आता है लघु तरंग। लघु मतलब हो गया माइक्रो, माइक्रोवेव, तरंग मतलब वेव। इसकी खोज किसने की, हटर्स ने की। ठीक, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए। और इसका उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, तो TV में, रेडियो में और टेलीफोन में। अगला है दीर्घ रेडियो वेव, इसे वायरलेस तरंग भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी मार्कोनी ने। और इसका उपयोग किस चीज में होता है, तो TV और रेडियो में। दूसरा दोस्तों, एक चीज और भी है, जिस किरणों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा उसकी आवृत्ति कम होगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्ध्य देख रहे हैं आप, किसका है, इसका है, और इसकी आवृत्ति कैसी होगी, कम होगी। यानी तरंग दैर्ध्य अधिक और आवृत्ति कम, और गामा किरणें की तरंग दैर्ध्य कम है, इसकी आवृत्ति कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो यही है आपका फैक्ट, जरूर देख लीजिएगा। मैंने यहां पे लिखा हुआ है ध्वनि, तो पहला ही क्वेश्चन आता है कि भाई ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु में कंपन, जैसे अगर हम टकराते हैं तो यहाँ पर कंपन हो रहा है, तो कंपन की वजह से आपको ध्वनि उत्पन्न होता है। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ध्वनि कोई तरंग है क्या, तो बिल्कुल। देखिए, तरंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यांत्रिक तरंग और एक होता है चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम मतलब ठोस, द्रव और गैस, यानी यांत्रिक तरंग उसे कहेंगे जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और चुंबकीय तरंग उसे कहेंगे जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ध्वनि एक कैसा आपका तरंग है, तो ये एक यांत्रिक तरंग है। और यांत्रिक तरंग भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुप्रस्थ
जो लंबवत कंपन करता है, एक होता है अनुदैर्ध्य यानी जो आगे पीछे कंपन करता है। तो आपका जो ध्वनि जो है वो एक तरह का कौन सा है भाई, अनुदैर्ध्य तरंग है। और अनुदैर्ध्य जो तरंग होता है आपको तीनों माध्यम में यानी ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न होता है। तो सबसे बड़ी बात की क्या ध्वनि निर्वात यानी जहां पे कोई माध्यम नहीं है वहां पे ध्वनि गमन करता है, तो नहीं दोस्तों, ये तीनों माध्यम में गमन करता है लेकिन निर्यात में इसकी गति या इसकी चाल नहीं होती है। तो अब जरा यहां से शुरू करते हैं, जो फैक्ट मैंने यहां बोर्ड पे लिखा हुआ है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं ध्वनि की चाल। ठीक, तो आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ध्वनि की चाल किस माध्यम में अधिक है, यानी माध्यम मतलब ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे अधिक किस में है भाई, तो ठोस में है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। अगर एग्जाम में आ जाए सबसे अधिक जो ध्वनि की चाल किस में होती है, तो मैंने यहाँ पर ठोस तो लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे AL लिखा हुआ है यानी एल्युमिनियम। कितना है, 6420 यानी 6420 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लोहा, लोहा भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है इसलिए मैंने लिखा हुआ है, वो है 5130 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद द्रव में भी आते हैं, द्रव में बहुत सारे द्रव में कंपन करता है लेकिन पहले लिख देते हैं जल यानी 1493 और पारा 1450। सबसे नीचे यानी सबसे कम गमन करता है या चाल सबसे अधिक कम है, सबसे कम है तो वो आपका गैस में है, तो आपका वायु हो गया। वायु में इसकी चाल कितनी होती है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड। और सबसे कम किस में होता है, तो गैस में ही आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कितना है, तो 260 किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड। अब आते हैं कि क्या ध्वनि की चाल बढ़ती है, कहां कहां ध्वनि की चाल बढ़ती है। यहां पे मैंने ही पहले लिख दिया है कि ध्वनि का चाल बढ़ता है जब, इसका मतलब कब। ठीक, तो पहले मैंने लिखा हुआ है ताप बढ़ने पर, यानी जब ताप बढ़ता है तो ध्वनि की जो चाल है वो बढ़ जाती है। कितने पर, 1 डिग्री सेल्सियस ताप अगर बढ़ेगा आपका तो कितना ताप बढ़ेगा, चाल बढ़ेगा आपका 0.61 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर। अब उसके बाद आता है आर्द्रता बढ़ने पर, यानी अगर वायुमंडल में आपका वाष्प ज्यादा हो जाए, आर्द्रता बढ़ जाए, तब आपकी ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। उसके बाद है दिन की अपेक्षा रात में, यहां मैंने रात नहीं लिखा हुआ है सॉरी, दिन की अपेक्षा रात में। लेकिन इससे जब सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या आता है कि भाई ध्वनि के चाल पर दाब का प्रभाव पड़ता है, तो नहीं, ये वाला मोस्ट VVI है। ताप का प्रभाव पड़ता है, दाब का प्रभाव पड़ता है, बरसात के दिन में भी आपको, दिन में जो बरसात का होता है ध्वनि की चाल बढ़ सकती है, लेकिन दाब जो है, दाब का कोई भी प्रभाव आपके ध्वनि के चाल पर नहीं पड़ता है। ठीक, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ध्वनि की आवृत्ति परिसर। ठीक, तीन तरह का होता है, एक होता है अवस्रव, एक होता है स्रव और एक होता है प्रस्रव। मतलब यहाँ पे हर्ट्ज नापते हैं हम लोग, थोड़ा मेरे उच्चारण पे आप लोग मत जाइएगा, अगर उच्चारण खराब है तो क्या मैं पढ़ाना मतलब नहीं छोड़ सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरी भावनाओं को समझिए, मैं पढ़ाना चाहता हूँ लेकिन थोड़ी थोड़ी बात अगर आपको समझ में नहीं आए तो दिल पे मत लीजिएगा। आगे देखते हैं अवस्रव, यहाँ पे देखिए 20 हर्ट्ज से नीचे को हम लोग क्या कहते हैं, अवस्रव। ठीक, अब 20 हर्ट्ज से नीचे क्या मनुष्य सुन सकता है, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है नहीं सुन सकता है मनुष्य इस साउंड को, यानी 20 हर्ट्ज से नीचे आएगा तो मनुष्य इस ध्वनि को नहीं सुन सकता है। और भी है, 20,000 से ऊपर भी मनुष्य जो है वो नहीं सुन सकता है। सुन क्या सकता है, 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य किसी भी साउंड को सुन सकता है। अब यहाँ पे पहले मैंने लिखा हुआ है जैसे अवस्रव, तो वो अवस्रव कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है, तो देखिए जब भूकंप आता है तो पृथ्वी पे जो साउंड होता है वो आपका 20 से नीचे होता है, और दूसरा जो हृदय की धड़कन होती है उसका भी साउंड आपका 20 हर्ट्ज से नीचे होता है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्रव, स्रव मतलब सुन सकते हैं, कौन सा भाई, 20 से 20,000 तक, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस लगता है एग्जाम के लिए। परास्रव यानी 20,000 से ऊपर
मैंने दूसरा पॉइंट लिख दिया है, मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो सुन कौन सकता है? कुत्ता, चमगादड़, बिल्ली, अदर जानवर इसको सुन सकते हैं। एक चीज़ और है दोस्तों, जैसे चमगादड़ जो देख रहे हैं वो 20 हर्ट्ज तक ध्वनि उत्पन्न भी कर सकता है और सुन भी सकता है। जैसे मान लीजिए वो रात को चल रहा है वो, और इतना ध्वनि उत्पन्न करता है कि वो ध्वनि जब परावर्त होकर आती है तो उसको पता चल जाता है चमगादड़ को कि यहाँ पे अवरोध है। वो अंधेरे में भी अपने अवरोध को पहचान सकता है, समझ सकता है इसी साउंड की वजह से। यानी 1,00,000 हर्ट्ज तक ये ध्वनि उत्पन्न कर सकता है और सुन भी सकता है। तो इसमें इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है परासरव में कि इसका उपयोग बहुत सारी चीज़ों में होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है परासरव का उपयोग, तो पहले ही लिखा हुआ है समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए परासरव का उपयोग करते हैं। जैसे कि एक आता है सोनार यंत्र, ठीक, सोनार यंत्र में परासरव का उपयोग किया जाता है और इससे ही हम लोग समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और भी है, जैसे कि एक फैदोमीटर भी है, उससे भी समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है। अगला देखते हैं दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए परासरव जो है वो छोटी छोटी कोशिकाओं को नष्ट करने की क्षमता रखता है, ठीक। तो जैसे कि दूध में अगर हानिकारक जीवाणु हो तो उसको वो नष्ट कर सकता है। ऐसे दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर, ये भी बिल्कुल आप याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। अगला देखते हैं गठिया रोग के उपचार, मस्तिष्क में जो ट्यूमर होता है उसका पता लगाने के लिए, कीमती कपड़े, वायुयान, जो कारखाने की चिमनियाँ होती हैं उससे जो कालिक होते हैं उसको साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मैं फिर लिख देता हूँ, ये भी आपके एग्जाम के लिए VVI होगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ध्वनि का लक्षण। 3 लक्षण होते हैं, एक होता है तीव्रता, एक होता है तारत्व और एक होता है गुणता। थोड़ा थोड़ा अंतर देख लेते हैं। जैसे कि तीव्रता का मतलब क्या है, कोई जोर से बोलता है आ, कोई धीरे आ, तो इसका मतलब तेज सुनाई देना और धीमा सुनाई देना, उसे क्या कहेंगे हम लोग? तीव्रता। अब तेज और कम क्यों सुनाई देता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कहेंगे कि जो वस्तु जो ध्वनि उत्पन्न कर रहा है उसके कंपन के आयाम पर निर्भर करता है कि तीव्रता क्या है। जैसे अगर आयाम कम होगा तो ध्वनि क्या होगी? धीमी होगी, मंद होगी। और आयाम अगर अधिक होगा तो ध्वनि क्या होगी? तीव्र होगी, ठीक। अगला देखते हैं तारत्व। जैसे कि किसी का आवाज़ बहुत पतला होता है, जैसे मान लीजिए मेरा ही आवाज़ बहुत पतला है तो मेरा तारत्व क्या है? अधिक है। और किसी का अगर आवाज़ बहुत मोटा होता है, जैसे शेर का दहाड़ होता है, तो उसका तारत्व कम होता है। अब जैसे ये आयाम पर निर्भर कर रहा था तो ये किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर, ठीक। अगर आवृत्ति अधिक होगी, मैंने यहाँ पर लिख दिया है अगर आवृत्ति अधिक होगी तो आवाज़ क्या होगा? पतला होगा। अगर आवृत्ति कम होगी तो आवाज़ क्या होगा? मोटा होगा। तो ये बार बार क्वेश्चन आता है कि शेर की दहाड़ है तो उसकी तारत्व क्या होगी? अधिक होगी, कम होगी? तो हम लोग सोचने लगते हैं अरे बाप रे, दहाड़ता ज़्यादा है तो तारत्व क्या होगा? अधिक होगा, कम थोड़ी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तारत्व क्या होगा? कम होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये उदाहरण बार बार एग्जाम में आपके आए हुए हैं। अगला है, पहला हो गया तीव्रता, तारत्व हो चुका है। अगला देखते हैं गुणता। गुणता मतलब कि जैसे मान लीजिए हम लोग भीड़ में जा रहे हैं और समान तीव्रता यानी एकदम एक्यूरेट आवाज़, बराबर का आवाज़, जैसे धीमा या मंद एकदम बराबर आवाज़ आ रहा है, और समान तारत्व यानी मान लीजिए दो महिला चिल्ला रही है अब एक ही साउंड में, तो इसी की वजह से, इस गुणता की वजह से हम पहचान लेते हैं कि मेरे परिचित लोगों ने पुकारा है वो कौन है। मतलब अपने लोगों की आवाज़ हम पहचान लेते हैं, समान तीव्रता हो या समान तारत्व हो, तो किसकी वजह से? गुणता की वजह से। और दोस्तों एक चीज़ और मैं यहाँ बताना भूल गया मैं आपको, इसका SI मात्र क्या होता है? बेल। और WHO ने कहा है कि भाई आप कितना आवाज़ सुनिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो 45 डेसिबल जो है वो आपके लिए सबसे उत्तम है और 75 जो है वो आपके लिए हानिकारक है। इतना ज़्यादा साउंड में सुनिएगा तो आपके कान बहरे हो सकते हैं या नहीं सुन सकते हैं, ये सब आपको WHO ने कहा है। अब यहाँ पर मैंने देखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है डॉपलर प्रभाव, ठीक। जैसे कि डॉपलर प्रभाव क्या है? कहते हैं कि श्रोता, श्रोता मतलब होता है सुनने वाला, स्रोत इसका मतलब होता है आपका कि
ध्वनि जहाँ से निकल रहा है, तो मान लेते हैं ये मार्कर देख रहे हैं, ये हो गया आपका श्रोता सुनने वाला, और ये जो हो गया आपका स्रोत यानी जो ध्वनि निकल रहा है, और यहाँ पे क्रॉस किया, इसका मतलब एक दोनों में से एक जो है गति में है। ठीक, अब साउंड यहाँ भी बराबर निकल रहा है, यहाँ भी बराबर ही निकल रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो पास में आता है तो इसका साउंड जो होता है बहुत ज़्यादा सुनाई देता है इसको। तो यानी अगर श्रोता और स्रोत की गति के कारण किसी तरंग की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब वही कंपन जो करता है प्रति सेकंड में, आवृत्ति बदली हुई लगती है, उस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, डॉपलर प्रभाव। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता है कि जैसे कि आप प्लेटफार्म पे खड़े हैं और ट्रेन आपको क्रॉस करता है हॉर्न मारते हुए, तो दूर में आपको साउंड कम सुनाई देता है, लेकिन जैसे ही पास में आता है तो आपको साउंड उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा सुनाई देती है, आवृत्ति कह सकते हैं ज़्यादा सुनाई देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ भी हॉर्न वो कम बजा रहा है और आपके यहाँ बहुत तेज बजा रहा है, वो बदला हुआ लगता है। तो किसके कारण आता है, डॉपलर प्रभाव के कारण। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि भाई ध्वनि की गुणता क्या होती है, तो जैसे आप प्रकाश में देखते हैं परावर्तन अपवर्तन, ऐसे ही इसमें भी आपको मिलेंगे। तो जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ध्वनि का परावर्तन। ठीक, तो परावर्तन क्या है, जैसे आप सोच सकते हैं भाई मैं यहाँ चला रहा हूँ और इधर ये दीवार है, तो इससे टकरा कर जो साउंड आपको सुनाई देता है उसे हम लोग कहते हैं ध्वनि का परावर्तन। अब यहाँ पे परावर्तन दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रतिध्वनि जिसको हम लोग बोलते हैं इको, और एक यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अनुरण। थोड़ा समझ आइएगा, प्रतिध्वनि जैसे मान लीजिए किसी हम लोग कुआं को या पहाड़ों के बीच में या बड़े बड़े जो महल में जाते हैं और हम लोग चिल्लाते हैं हेलो 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 हेलो, वो आपको उसी आवाज़ को बार बार आपको रिपीट करके सुना रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिध्वनि। अब प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए आपको न्यूनतम दूरी कितनी चाहिए, तो 17 मीटर, ये वाला थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक, प्रतिध्वनि स्पर्श सुनने के लिए आपको दूरी चाहिए श्रोता और स्रोत के बीच में, वो आपको 17 मीटर। अगला है क्या, अनुरण, मतलब ये क्या है, जैसे मान लीजिए कहीं हॉल में जाते हैं हम लोग, नेताजी भाषण दे रहे हैं और भाषण दे रहे हैं, तो कहा जाता है कि आपका जो साउंड होता है कुछ समय तक वो रहता है, विद्यमान रहता है। तो आप जब बोलते हैं तो आपका जो आवाज़ है, आप आवाज़ तो बंद हो चुका है लेकिन आपकी आवाज़ कुछ देर तक जाती है। तो कहा जाता है कि अनुरण काल एक दे दिया गया है, कितना, अगर नेताजी बोल रहे हैं 0.8 सेकेंड तक आपका ये समय रहता है, तो नेताजी कितना भी कुछ बोलेंगे आवाज़ आपस में टकराते रहती है, यानी आपको स्पष्ट सुनाई नहीं देगा। या फिल्म हॉल में जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, तो अगर सिनेमा हॉल में आप देखिएगा दीवारों में बहुत सारे खसर टाइप से लगा रहता है नारियल का इतना मोटा में, क्योंकि वो आवाज़ को जो निकलता है उसको एब्जर्व कर लेता है, जिससे आपको ये वाला उत्पन्न नहीं होता है और आप आराम से फिल्म देख पाते हैं। अगर उस तरह का व्यवस्था ना किया जाए किसी भी हॉल में तो आप कोई भी फिल्म आप नहीं देख सकते हैं। फिर अगला देखते हैं अपवर्तन। भाई हम कह सकते हैं, बार बार कहते हैं, जैसे प्रकाश में मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ये धोखा देता है, यानी अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो जैसे यहाँ पे भी माध्यम है, मान लीजिए कि गर्म वाला भाग है और ठंडे वाले भाग में जाता है तो ये कुछ कुछ मुड़ जाता है। तो इसको एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे दिन में कम और रात में ध्वनि दूर दूर तक सुनाई देती है। जैसे अभी एक कुत्ता भौंक रहा था, अभी आप देख रहे थे, तो कुत्ते का आवाज़ आप बहुत दूर भौंक रहा है लेकिन यहाँ तक आपको आवाज़ आ रहा है, क्योंकि रात का समय है। और ये किसके वजह से हो रहा है, तो अपवर्तन की वजह से हो रहा है। अगला देखते हैं अनुनाद। ये बड़ा वीवीआई है, इसको भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लेते हैं कि ये वस्तु है और वस्तु की अपनी आवृत्ति है, और ये बाह्य बल है यानी बाह्य वस्तु है, इसकी भी अपनी आवृत्ति है। जब ये दोनों आपस में टकराते हैं, इसकी आवृत्ति और वस्तु की आवृत्ति एकदम बराबर हो जाती है। जब बराबर हो जाती है तो बहुत अधिक मात्रा में दोलन का जो आयाम होता है वो अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से दोलन की वजह से ये टूट जाता है। जैसे मान लो ये वस्तु क्या है, एक पुल है, और इस पर क्या अगर फौजियों को चला दिया जाए, मार्च करा दिया जाए, तो जूता एक साथ गिराएंगे तो वस्तु का
जो वस्तु यानी पुल का जो आवृत्ति है और जो फौजियों की आवृत्ति है एकदम बराबर अगर हो जाएगी तो पुल गिर जाएगा, जैसे अमेरिका में एक बार ऐसे ही हुआ था, पुल गिर गया था। इसी को हम लोग कहते हैं अनुनाद, ठीक। या ये भी कहा जाता है, जैसे मान लीजिए कि दरवाजे में आप रूम बंद किए हुए हैं, शीशे की खिड़की है, और अब कोई आदमी गाना गा रहा है, और वो गाना गा रहा है तो उसकी आवृत्ति और शीशे की आवृत्ति अगर समान हो जाए तो शीशा चरक से टूट जाएगा। ये भी कहा जाता है कि जो भाई तान से जब गाते थे तो शीशे का जो गिलास होता था वो टूट जाता था। तो ये किसके वजह से? अनुनाद की वजह से। और एक और क्वेश्चन आता है, जैसे कहते हैं ना कि पुल पार करते समय फौजियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, क्यों अनुनाद पैदा ना हो, अनुनाद पैदा ना हो तो पुल आपका बच जाएगा। इसलिए फौजियों को रोक कर वहाँ पर दौड़ा दिया जाता है कि आप यहाँ से दौड़ जाइए, जिससे अनुनाद उत्पन्न नहीं होगा। एक एग्जाम में ये भी आता है कि जो रेडियो जो सुनते हैं आप, वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अनुनाद के ही सिद्धांत पर यह काम करता है। अगला देखते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ध्वनि का विवर्तन। अब ध्वनि का विवर्तन क्या है? जैसे आपने कहावत सुना होगा बहुत पहले कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो यही है विवर्तन। जैसे मान लीजिए कोई दूसरे रूम में लोग बैठकर बात कर रहा है और वो बात कर रहा है, तो वो आवाज़ जो है वो खिड़की कोने से, दरवाजे के कोने से पार करते हुए आपके कानों तक आता है। यानी ध्वनि के बीच में जो अवरोध है वो अवरोध को किनारे किनारे से पार करते हुए ध्वनि दूसरे रूम में भी आ जाता है। किसकी वजह से? तो आपको विवर्तन की वजह से। तो देखते हैं बोर्ड पे क्या क्या आपके लिए ज्यादा आवश्यक रहेगा एग्जाम निकालने के लिए। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश, और बहुत सारे डायग्राम बनाए हुए हैं जिनको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई क्या है, तो मतलब कौन क्या है, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक। जैसे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब यहाँ पे माध्यम क्या है? वही ठोस, द्रव, गैस, इसके लिए आवश्यकता नहीं होती। और जब ये किसी प्रकाश जो है किसी वस्तु पे पड़ती है और परावर्तक होती है तब हमारे आँखों तक पहुँचती है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी जिसके लिए अगर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। किसने कहा भाई कि भाई प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है? यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सवेल ने कहा था कि ये है। अगला देखते हैं, प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक। देखिए यहाँ पे अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, प्र लगा हुआ है प्र तो हो जाएगा प्रकाश, अनुदैर्ध्य लगा हुआ है तो ध्वनि। अगला देखते हैं तरंगदैर्ध्य, इसको भी मैंने पहली वीडियो में बता रखा है। तो भाई प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम तक, और एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है? तो 10^-10। यहाँ पे देखते हैं सिद्धांत, यानी प्रकाश को बारी बारी से बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कुछ कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए प्रकाश को लेकर। तो देखते हैं जो मेल है आपका यहाँ पे कणिका सिद्धांत, किसने प्रस्तुत किया था? तो न्यूटन ने। न्यूटन ने क्या कहा है? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, यानी एकदम छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और ये कण एक धारा में सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक। ये न्यूटन साहब ने कह दिया। दूसरा सिद्धांत आया फोटॉन सिद्धांत, किसने प्रस्तुत किया? आइंस्टीन ने। ये कहें कि प्रकाश जो ऊर्जा है जो छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, यानी छोटे छोटे जो कण होते हैं वो बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम फोटॉन कहते हैं, ठीक। अगला देखते हैं प्रकाश की चाल, तो तीन कॉलम बनाया हुआ मैंने कि भाई सर्वप्रथम प्रकाश की चाल का पता किसने लगाया? तो वैज्ञानिक का नाम है रोमर। रोमर बृहस्पति और उसके उपग्रहों की के बीच की जो गति है यानी अवधि है उसको माप कर प्रकाश की चाल का पता लगाया, या प्रकाश की वेग बोला भी जाता है। अगला देखते हैं भाई प्रकाश की चाल निर्भर किस पे करता है? तो वो निर्भर करता है, प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, ठीक। जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा चाल कम होगा, और ये कम होगा तो चाल क्या होगा? अधिक होगा।
फिर अगला क्वेश्चन आता है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो निर्वात में, यानी माध्यम का आवश्यकता तो है नहीं, तो निर्वात में इसकी चाल सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद जल में होता है, कितना होता है? तो 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच का भी मैंने लिख दिया है, कांच को भी देख लेते हैं। तो कांच का कितना होगा? 2.00×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक चैप्टर आता है, प्रकाश का स्रोत। स्रोत तो बहुत हो सकते हैं, जैसे तारा, विद्युत बल्ब, जुगनू, ये सबसे प्रकाश आता है। और मेन हम देखते हैं तारा को ही देखते हैं, और तारा में सबसे बड़ा क्या है भाई? सूर्य देखते हैं हम लोग। सूर्य से ही पूरी ऊर्जा आती है, उष्मा आती है, प्रकाश आता है। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, सूर्य। सूर्य के केंद्र में क्या है, कौन सा तत्व सबसे अधिक है? तो वो है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन परिवर्तित किसमें होता है? हीलियम में। यहाँ पे लिखा हुआ है परिवर्तित होता है इसमें, हीलियम में। कैसे होता है? तो एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है, जिसमें जो दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक भारी और अस्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे संलयन कहते हैं। तो संलयन से हीलियम में परिवर्तित हो गया और निकल क्या रहा है? भारी मात्रा में ऊर्जा। ठीक, अब पृथ्वी के सॉरी सूर्य के सतह पर तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। आइंस्टीन ने भी कहा है कि प्रति सेकंड सूर्य की ऊर्जा कितनी निकलती है। देखिए ऊर्जा की दर कितनी है, 4×10⁶ जूल प्रति सेकंड। और आइंस्टीन ने यह भी कहा कि अगर जितना ऊर्जा निकाल रहा है प्रति सेकंड में, तो सूर्य का जो द्रव्यमान में कमी होता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊर्जा निकल रहा है तो क्या हो रहा है? द्रव्यमान में कमी। कितना हो रहा है? तो 4×10⁹ किलोमीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे बनाया हुआ है, मैंने पृथ्वी बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं। सूर्य का प्रकाश आ रहा है, यानी प्रकाश की पृथ्वी तक पहुँचने में लगा समय कितना लगता है? 8.16 सेकेंड, यानी 8 मिनट 16 सेकेंड। और सूर्य की जो ऊर्जा होती है पृथ्वी पर कितना पहुँचता है? तो 2/1 भाग। ठीक, अगर आप जब प्रकाश की बात करते हैं तो इसमें एक ग्रहण भी आता है। ये ज्योग्राफी का भी चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग इसको शॉर्ट में ही देखते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रहण, दो तरह का ग्रहण होता है, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्रमा ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है? चंद्रमा। ये अमावस्या को होता है, तो उसे कहेंगे हम लोग सूर्य ग्रहण। और चंद्रमा ग्रहण किसे कहेंगे? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, उसे हम कहेंगे चंद्रमा ग्रहण, यानी चंद्र ग्रहण। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? तो पहला लिखा हुआ है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा लिखा हुआ है प्रकीर्णन, तीसरा है परावर्तन, और चौथा है अपवर्तन। इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा आपका प्रकीर्णन। देखिए प्रकीर्णन क्या है, जैसे मान लीजिए हैं ये आपका पृथ्वी है और यहाँ पे आपका केंद्र में नीफे है, यहाँ गुरुत्वाकर्षण है इसलिए आपका वायुमंडल है, और क्षोभ मंडल में आपको पता है कि बहुत सारे कण पाए जाते हैं। जब प्रकाश आता है तो इन्हीं कणों से टकरा कर चारों दिशा में फैल जाता है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं प्रकीर्णन हो जाता है। तो इसी कारण आपको आकाश जो है नीला दिखाई देता है। और अंतरिक्ष से यात्रियों को कैसा दिखाई देता है आकाश? तो काला दिखाई देता है। स्वच्छ बादल जो है वो आपको सफ़ेद दिखाई देता है, और यही कारण है जो खतरे का संकेत है उसमें लाल रंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है। अगला, इसमें और भी ऑप्शन है, उनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पहले यहाँ से शुरू करते हैं, परावर्तन। ठीक, परावर्तन में सिंपल फंडा है, एक सतह है, प्रकाश आती है, टकराती है और उसी माध्यम में लौट आती है, उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन। तो जैसे हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, किसके वजह से? तो परावर्तन की वजह से ही। अब यहाँ पे देखते हैं अपवर्तन। ये एक कह सकते हैं बड़ा धोखाबाज इंसान है। धोखाबाज कैसे? कि अगर कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, जैसे कि धोखा देता है। जैसे ये आप मान लेते हैं बल्टी है, बल्टी में हमने छड़ डाला, छड़ तो सीधा ही है लेकिन दिखेगा कैसे आपको? टेढ़ा।
या जो तारे टिमटिमाते हैं तो लग रहा है कहीं यहाँ टिमटिमा रहा है, कहीं वहाँ टिमटिमा रहा है, यानी आपको क्या दे रहा है, धोखा दे रहा है। क्योंकि देखिए हमें परिभाषा जानने से कोई लॉजिक क्लियर नहीं होने वाला, हम लोग जानना जरूरी है कि भाई आपके एग्जाम में क्या आएगा। तो एग्जाम में आपका उदाहरण ही सबसे ज़्यादा आता है, तो वही आपका जैसे सिक्का पानी में आप सिक्का डालते हैं तो लगता है कि बहुत ऊपर में है लेकिन है वो नीचे। तो ये आपका किसका उदाहरण हो गया, आपका अपवर्तन का। अगला देखते हैं आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको समझना है तो बस एक क्रांतिक कोण का मान होता है 90, यानी आपतन कोण जब 90 डिग्री से अधिक हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, क्रांतिक कोण। अब क्रांतिक कोण का मान कितना है भाई, 90 डिग्री। कहने का मतलब है इसमें परावर्तन जो होता है वो 100% हो जाता है लेकिन आपतन है ना के बराबर होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका उदाहरण जानने लायक है जैसे आपका हीरे का चमकना, हीरा जो चमकता है किसके चलते चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक आपका देखते होंगे रेगिस्तान में मरीचिका बनता है, मरीचिका मतलब होता है कि आप जब रेगिस्तान में घूमिएगा तो लगेगा दूर से देखने पे कि वहाँ झील होगा, जब पास में जाते हैं यानी पानी होगा, और जब पास में जाते हैं तो रेगिस्तान ही होता है। या आप हाईवे पर जब चलते हैं तो दूर में लगता है पानी चल रहा है लेकिन आप जाते हैं तो वहाँ कहीं पानी नहीं दिखता है, उसी को बोलते हैं हम लोग मरीचिका। उसके बाद जब जैसे आपका शीशा टूटा होता है तो जो टूटे हुआ शीशा जो किनारा जो होता है वो चमकता है, तो किसके चलते, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो आज इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा है आपका वस्तु का रंग, इसके बारे में भी देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो आइए यहाँ शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण मतलब होता है आपका रंग, ठीक, वर्ण मतलब हो गया रंग। अब प्रकाश, जैसे कि हम जानते हैं जो सूर्य का प्रकाश होता है वो कैसे रंग का होता है, श्वेत रंग का। अब ये एक आपका प्रिज्म है, तो जो श्वेत रंग को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो अपवर्तन के फलस्वरूप प्रिज्म के दूसरे तरफ में आपका ये जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक। तो मैंने परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में बट जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इस प्रकार प्राप्त रंगों के समूह को, यानी समूह को वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो श्वेत रंग है वो कितने रंगों में विभक्त हो गया, आपको 7 रंग है। ऊपर में कौन सा है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। अब आप अगर इतना लंबा याद कीजिएगा तो मेरे ख्याल से याद होना होता नहीं है, अगर या सोचो लाल है कि उसके नीचे नारंगी है, इतना याद कीजिए भी मत। मैं कहूँगा आपके एग्जाम में जो सबसे ऊपर वाला जो होता है लाल वो आता है और जो सबसे नीचे वाला होता है बैंगनी वो आता है। लेकिन यहाँ पे यह समझने वाली बात होगी कि भाई लाल ऊपर है तो उसको याद कैसे करें। तो हम लोग कहते हैं, मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि जिसका धैर्य अगर अच्छा होगा यानी अधिक होगा वो विचलित नहीं होगा, और जिसका धैर्य कमजोर होगा यानी एकदम बिना धैर्य वाला आदमी होगा वो विचलन ज़्यादा होगा। तो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है लाइन, देखिए तरंग दैर्य ऊपर में क्या लिखा हुआ है, सबसे अधिक, यानी लाल रंग का तरंग दैर्य सबसे अधिक। नीचे मैंने एरो दिया हुआ है, तरंग दैर्य कम किसका होता है, बैंगनी रंग का। विचलन सबसे कम होगा अधिक वाले का और इसका विचलन सबसे अधिक होगा। तो इस लॉजिक को समझ जाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहीं क्वेश्चन आपको ऐसे भी नहीं पूछता है कि ऊपर कौन है नीचे कौन है, ये भी पूछ देता है तरंग दैर्ध्य किसका अधिक है किसका कम है, विचलन किसका कम होता है कभी अधिक होता है। तो क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जाते हैं लेकिन आप समझ जाते हैं तो किधर से भी घुमाओ क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने यहाँ ये भी लिखा हुआ है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक तथा बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट को जान के आप रखिए। उसके बाद देखते हैं भाई वर्ण विक्षेपण का जो सबसे अच्छा उदाहरण जो हम लोग देखते हैं वो कौन सा है, तो वो है आपका इंद्रधनुष। अब भाई क्वेश्चन आता है कि इंद्रधनुष बनता कैसे है, तो हम कहते हैं जब सूर्य की किरणें जब किसी बूंदे बरसात के बूंदों में छोटी छोटी बूंदों पर जब पड़ता है तो उसमें क्या होता है कि परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। ये तीनों चीज होने के बाद बनता है क्या आपका इंद्रधनुष, और ये किसका उदाहरण अच्छा है,
आपका वर्ण विक्षेपण का। अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई जब हम लोग जब सबसे अधिक जो इंद्रधनुष देखते हैं वो कौन सा होता है, क्योंकि इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक और एक होता है आपका द्वितीय। ठीक, तो आप जैसे मान लीजिए कि अगर कभी बरसात हो रहा है और आपको इंद्रधनुष देखना है, तो इधर से सूर्य आ रहा है तो आपकी पीठ सूर्य की ओर होनी चाहिए, तब आपको इंद्रधनुष दिखता है। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई प्राथमिक इंद्रधनुष को हम कैसे जानेंगे, यानी प्रथम। तो इसमें कहता है कि भाई जिस इंद्रधनुष में दो बार अपवर्तन हो एक बार प्रवर्तन हो उसे हम प्राथमिक इंद्रधनुष कहेंगे। और इसमें लाल रंग जो होता है वो बाहर की ओर होता है और बैंगनी जो रंग होता है वो नीले की ओर अंदर की ओर होता है। अब ये भी डिग्री देख लेते हैं, जो लाल रंग का जो कोण बनाता है हमारी आंखों पर कितना बनाता है, 42.8 डिग्री, और जब बैंगनी रंग का जो डिग्री बनाता है हमारी आंखों पर कोण बनाता है वो है 40.8 डिग्री। ठीक, दूसरा देखते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष, इसमें अपवर्तन दो बार होता है, इसमें परावर्तन भी दो बार होता है। अगर आप कहेंगे कि भाई सर कैसे इसको याद रखें, क्या दिमाग खराब हो जा रहा है, दो बार एक बार, तो इसको हेडेक मत लीजिए। आप ये चीज देखिए, अपवर्तन आपका दो बार इसमें भी हो रहा है और अपवर्तन दो बार इसमें भी हो रहा है, लेकिन जो प्राथमिक यानी पहला उसमें परावर्तन एक बार, दूसरा उसमें परावर्तन दो बार, बस इस लॉजिक को याद रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखते हैं कि भाई इसमें परावर्तन आपका दो बार तो हो रहा है, तो बैंगनी रंग आपका कैसा है, बाहर की ओर रहता है इसमें, और जो अंदर की ओर रहता है वो कौन सा होता है, लाल रंग, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। और हमारे आंखों पर कौन सा कोण बनाता है, 54.52 डिग्री का कोण बनाता है, और जो लाल रंग होता है वो आपको 50.8 डिग्री का कोण बनाता है। ये आप समझ गए होंगे, तो आगे देखते हैं वस्तुओं का रंग। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, जैसे कि सपोज कि अगर आप प्रकाश में आप चल रहे हैं और कोई आपको वाइट रंग का शर्ट पहना हुआ है, ठीक, तो आपको वो वाइट रंग का शर्ट उजला सफ़ेद रंग का शर्ट कैसे दिखता है, तो ये दिखता है कि भाई जो ये सफ़ेद दिख रहे हैं इसमें जो प्रकाश जाता है श्वेत प्रकाश वो सब के सब परावर्तित हो जाता है और आंखों पे पड़ता है, तब ये आपको सफ़ेद दिखता है। लेकिन ये आपको काला दिख रहा है, इसमें काला क्यों दिखता है, जितना भी सूर्य प्रकाश आ रहा है तो ये क्या करता है, वो सभी प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ये काला दिखता है। ठीक, सफ़ेद क्यों दिखता है, परावर्तित कर देता है सभी रंगों को, काला इसलिए दिखता है कि सभी रंगों को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है यानी अवशोषित कर लेता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये हरा है, अब ये हमें हरा क्यों दिखता है, होता क्या है जब ये प्रकाश इस पर पड़ती है तो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, लेकिन हरा रंग को वो क्या करती है, परावर्तित करती है, तो सिर्फ उसी रंग को परावर्तित करती है इसलिए हमें वो हरा दिखता है। तो यानी वस्तु का रंग उसके परावर्तन पर निर्भर करता है। अब देखते हैं भाई रंग कितने प्रकार के होते हैं, तो रंग आपको तीन प्रकार के होते हैं, एक आपका प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा आपका पूरक। तो प्राथमिक रंग किसे कहेंगे, तो प्राथमिक उसे रंग कहेंगे जो किसी पर निर्भर नहीं है, वो स्वतंत्र है, किसी के मिलाने से नहीं बनता है। तो वो कौन कौन सा है, जैसे मैंने यहाँ पर ट्रिक लिखा हुआ है, निहाल यानी नी से नीला, ह से हरा, अल्लाह से लाल। तो थोड़ा सा हम ये यहाँ पे त्रिभुज बनाए हैं, वहाँ लिख देते हैं लाल, हरा और नीला। ठीक, अब देखते हैं द्वितीयक रंग किसे कहते हैं, तो दो प्राथमिक यानी ये दो प्राथमिक देख रहे हैं, तीन प्राथमिक यहाँ पे, दो प्राथमिक मिलने से जो रंग बनता है उसे हम द्वितीयक रंग कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लाल है और आपका हरा है, इसके मिलने से बनता है कौन सा रंग, पीला। ठीक, यहाँ पे हरा है और ये आपका नीला है, तो इसके दोनों रंग से मिलता है पीकॉक नीला। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे लाल है और यहाँ पे नीला है, ये दोनों के रंग से मिलता है क्या, मैजेंटा। ठीक,
ठीक है। तो ये आपका ये पीला, पिकॉक नीला और मैजेंटा क्या हो गया आपका द्वितीयक रंग। अब पूरक रंग किसे कहेंगे? तो देखिए पूरक रंग क्या है कि प्राथमिक प्राथमिक या प्राथमिक द्वितीयक रंग के मिलने से जो सफेद रंग बन जाए तब उसे हम कहेंगे पूरक। जैसे देखिए यहाँ पे ये आपका हरा है तो ये कौन सा रंग है प्राथमिक, और ये मैजेंटा है ये कौन सा रंग है आपका द्वितीयक। इन दोनों के मिलाने से यानी हरा रंग को और मैजेंटा को मिलाने से क्या बन रहा है आपका सफेद। अब यहाँ पे देखिए नीला है प्राथमिक रंग है और ये पीला आपका क्या है द्वितीयक रंग है, दोनों के मिलाने से क्या बनेगा आपका सफेद। यहाँ पे आप देखते हैं लाल और यहाँ पिकॉक नीला, इन दोनों के मिलाने से क्या बनेगा आपका सफेद। ठीक, हरा मैजेंटा पीला और नीला और लाल और पिकॉक नीला के मिलाने से क्या बनता है सफेद। फिर कहा जाता है कि जितने भी प्राथमिक रंग हैं यानी लाल हरा और नीला इन तीनों को भी मिलाया जाएगा तो मिलेगा क्या आपको सफेद। क्लियर, इन जो रंग आप दो रंग को मिलाने से जो सफेद बन जाए आपको उसी को हम लोग पूरक रंग कहेंगे। और एक चीज और भी है, जैसे कि आपके रंगीन टीवी में किस रंगों का उपयोग किया जाता है प्राथमिक द्वितीयक या पूरक रंग। तो दोस्तों रंगीन टीवी में आपका प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है। जय दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी मैं लगातार आपका फिजिक्स पे वीडियो बना रहा हूं और आज का जो विषय है वो है दर्पण से। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि बोर्ड पे मैंने क्या क्या लिखा हुआ है और बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दर्पण। देखिए दर्पण का जो एक सतह होता है वो परावर्तक होता है, ठीक, और जो दूसरा सतह होता है उसे कलई की रहती है यानी उसको पेंट किया रहता है। और किससे पेंट करते हैं हम लोग? सिल्वर नाइट्रेट से। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण, दूसरे को बोलते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। तो अब आगे देखते हैं कि भाई समतल दर्पण में क्या क्या ऐसा महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे एग्जाम के लिए आवश्यक है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इससे बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, ठीक, यानी ये दर्पण है और इस पे यहाँ वस्तु है और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है, ठीक। अगर मान लेते हैं इतनी दूरी पर वस्तु बनी हुई है रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इस पर बना प्रतिबिंब आकार में वस्तु के बराबर होता है, ठीक, यानी उतना ही बनेगा जितना वस्तु है आकार में, और आभासी बनता है। आभासी मतलब काल्पनिक बनता है। देखिए जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। आगे देखते हैं, इससे व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, इससे मतलब समतल दर्पण से अगर व्यक्ति को पूरा अपना प्रतिबिंब देखना है तो कितना दर्पण का साइज होना चाहिए? ये मैंने यहां लिख दिया है, इससे व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? कम से कम व्यक्ति की लंबाई का आधा होना चाहिए। अगर मान लेते हैं अगर व्यक्ति 6 फीट का है तो दर्पण कितना होना चाहिए? 3 फीट का। अगला देखते हैं, अब सोचने वाली बात है, जैसे मान लीजिए दर्पण रखा हुआ है और कोई व्यक्ति अपने चाल से आ रहा है तो दर्पण में उसकी चाल कितनी होगी? ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ चुका है। यदि कोई व्यक्ति इस दर्पण के यानी समतल दर्पण के लंबवत, ठीक, किसी चाल से दर्पण के समीप आता है या दूर जाता है, ठीक, आता है या दूर जाता है तो उससे अपना प्रतिबिंब दुगनी चाल से पास या दूर जाता हुआ प्रतीत होगा, ठीक। क्या क्या पॉइंट आपको जानने लायक हो गया? पहला पॉइंट, वस्तु उतना ही दूरी पर रखा रहेगा और उसका प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बनता है उतनी दूरी पे होगी। दूसरा, वस्तु के आकार के बराबर और कैसा बनता है?
आभासी। तीसरा देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति 6 फीट का है तो दर्पण कितना होना चाहिए, 3 फीट का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए। और दूसरा बात, अगर जिस चाल से आ रहे हैं तो दर्पण में आपको कैसा प्रतीत होगा, अगर एक चाल से आ रहे हैं तो 2 से गुना कर दीजिए, यानी दुगुना चाल से आपको दिखेगा। अब आते हैं गोलीय दर्पण में, ठीक। तो गोलीय दर्पण, जैसे मान लेते हैं ये गोल मैंने एक दर्पण ले लिया है, मतलब गोल दर्पण है और उसको बीच में से काट देते हैं, बीच में से मैंने काट दिया। अब चूंकि दर्पण बनाने के लिए एक साइड से कलई करना होगा तो हम कलई कर देते हैं। अगर किसी दर्पण में अंदर से कलई कर देते हैं और जो बाहर सतह देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह, तो वो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। यानी गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो ये वाला जो हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। और अगर हम बाहर से कलई कर दें, कलई मतलब वही सिल्वर नाइट्रेट का, और अंदर का सतह क्या होगा, परावर्तक होगा, तो वो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण, ठीक। बारी बारी से देखते हैं, उत्तल दर्पण, इसे अपसारी भी कहा जाता है। दूसरा, इसका तल उभरा हुआ होता है, ये देख रहे हैं ये परावर्तक तल क्या है, उभरा हुआ है। इसके अंदर की ओर कलई की जाती है, मैंने यहां पहली कलई कर रखा है, अंदर की ओर कलई की जाती है। लेकिन जो एग्जाम में आता है, देखिए हम लोग 10वां क्लास का और 9th क्लास का हम लोग नहीं पढ़ रहे, हम लोग एग्जाम निकालना है। एग्जाम में हमेशा का हमेशा देखिएगा न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, इसलिए मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ मैं फोकस पे रखूँ तो केंद्र पे रखूँगा तो कौन सा आकृति बनेगा, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ये सब आपके लिए नहीं है। क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है तो आपको सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना पड़ेगा, उदाहरण। तो देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, गाड़ी के साइड मिरर में, ये मोस्ट VVI आपके एग्जाम के लिए है। दूसरा, जो स्ट्रीट लाइट यानी जो गली का लाइट होता है वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। सिर्फ 2 है लेकिन ये वाला इतना ज्यादा आता है कुछ करने को नहीं। आगे देखते हैं, अवतल दर्पण, इसे अभिसारी भी कहा जाता है, ठीक। इसका तल दबा हुआ होता है, ये देख लीजिए दबा हुआ है। अगला, इसके बाहरी सतह पर कलई की जाती है, मैंने पहले ही कर रखा है बाहरी सतह पर कलई की रहती है। और इसका उपयोग, तो पहला उपयोग सोलर कुकर में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, हजामती, जब आप दाढ़ी बनाए जाते हैं तो दर्पण कौन सा होता है, अवतल दर्पण, हजामती दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला, गाड़ी के हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सर्च लाइट में इसका उपयोग किया जाता है। और अगला, जैसे कि डॉक्टर साहब जो होते हैं वो आपका गला कान नाक का जो अंदरूनी भाग देखने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, मैंने लिख दिया है आंख नाक कान गला जो भी उसके जांच के लिए डॉक्टर उपयोग करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है लेंस, ठीक। तो सबसे पहली बात कि भाई लेंस बनता कैसे है, तो कहा जाता है भाई दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। तो 2 गोलीय दर्पण को मिलाने से आपको क्या बनता है, लेंस, ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लेंस के प्रकार, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है आपका अवतल लेंस। तो बारी बारी से देखते हैं इसका अंतर क्या है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यह बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। जैसे यहाँ पे गौर करते हैं, मान लेते हैं मैंने पहले ही कहा कि 2 गोलीय दर्पण को मिलाने से आपको लेंस बनता है। तो यहाँ पर अगर 2 गोलियों का ये मिलाकर इसको मिटा देते हैं तो आपको आकृति क्या मिलती है, ऐसी। यानी ये लिखा हुआ है बीच में मोटा होता है, यानी बीच में मोटा है और किनारों पर पतला होता है, यानी किनारों पर आपका पतला है, उसे क्या कहेंगे भाई, उत्तल लेंस। अब अवतल लेंस के बारे में देखते हैं, या बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। अब कैसे, जैसे मान लेते हैं 1 गोलीय दर्पण लिए और 2 गोलीय दर्पण लिए, इसको यहाँ से हम मिला देते हैं और इसको भी यहाँ से मिला देते हैं और इधर वाला हम लोग मिटा देते हैं, तो आपका क्या हो गया, एक अवतल लेंस। जैसे बीच में पतला देख रहे हैं
और किनारों पर मोटा होता है उसे हम क्या कहेंगे, अवतल लेंस। अब जरा देखते हैं आगे अंतर क्या है। यह अनंत से आने वाली किरणों को, यानी अनंत से किरणों को जो आ रही है, किरणों को सिकोड़ता है, ठीक, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक, अनंत से आने वाली किरणों को क्या कर रहा है, सिकुड़ रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। अब इसमें देखते हैं यह, यानी अवतल लेंस, यह अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है, इसीलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए हम लोग एग्जाम के मद्देनजर ही देखेंगे, हम लोग कोई फोकस पे चेंज करके ये सब नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में मेन मेन पॉइंट ही आता है। अब देखते हैं अगला अंतर क्या है। इसमें फोकस वास्तविक बनता है, इसमें क्या है, इसमें फोकस आभासी बनता है, यानी काल्पनिक बनता है। दूसरा चीज, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होता है। अब इसका अंतर देखिए, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अंतर बस आप गौर करते चलिए, इसमें हो गया धनात्मक, इसमें हो गया ऋणात्मक, इसमें वास्तविक और इसमें आभासी। अगला देखते हैं, जैसे कि आपका नेत्र, अगला चैप्टर आपका नेत्र ही आएगा, तो नेत्र में तो आपका दोष होता है, तो दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है भाई, अगर आपको दूरदृष्टि दोष हो जाए या किसी को हो जाए तो कौन से लेंस का चश्मा पहनना होगा, तो वो कौन सा होगा भाई, उत्तल लेंस। यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बताया था बहुत पहले भी, कि दूर एक दो शब्द है और दो यहाँ पे आपका उत्तल, तो एक दो तीन शब्द है, तो वही है, दो का टिकट तीन में बेचे, यानी किसी फिल्म का टिकट दो रुपये का है तो उसको तीन रुपये में बेचेंगे, तो क्या हो जाएगा, दूर और उत्तल। अब देखिए यहाँ पे है, निकट दृष्टि दोष अगर आपको हो जाए या किसी को हो जाए तो उसके लिए कौन सा चश्मा, किस लेंस का चश्मा पहनना होगा, तो उसके लिए आपको पहनना होगा अवतल लेंस है। तो यहाँ भी उसी ट्रिक पे है, दो का तीन है, और देखिए निकट तीन है, अवतल चार है, यानी तीन का चार और यहाँ पे दो का तीन। इस हिंट्स इसलिए दिया जाता है कि कभी कभी आप जब एग्जाम देते हैं तो याद तो रहता है लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इस हिंट के द्वारा आप याद कर सकते हैं। अगला अवतल लेंस को देखते हैं, नेत्र का जो लेंस होता है वो कैसा होता है, तो उत्तल लेंस होता है। दूसरी बात, पठन यानी रीडिंग के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का ही उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लेंस की क्षमता, तो क्या है लेंस की क्षमता, तो पहले परिभाषा को देखते हैं। उत्तल लेंस में जब प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समानांतर चलती हुई, यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस है, इसका मुख अक्ष क्या हुआ, मेन वाला, चलती हुई लेंस पर आपतित होती है, तो यह लेंस आपतन के पश्चात उन किरणों को मुख अक्ष की ओर क्या कर रही है, मोड़ देती है, तथा अवतल लेंस इन किरणों को मुख अक्ष से दूर हटा देता है। इसी को लेंस की क्षमता कहते हैं, यानी इसका मतलब लेंस का मुख्य कार्य क्या हुआ, प्रकाशित किरणों को मोड़ना, और मोड़ने की घटना को हम लोग बोलेंगे लेंस की क्षमता। दूसरी बात, कुछ फैक्ट और भी है, जो लेंस किरणों को जितना अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है, ठीक, जितना अधिक मोड़ा उतना अधिक क्षमता। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी मैंने यहाँ पे P लिखा हुआ है, तो P का मतलब हो गया लेंस की क्षमता, और एग्जाम में एक और आता है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो होता है डायोप्टर, ठीक। तो यानी कहने का मतलब है P बराबर 1/ फोकस दूरी, और फोकस दूरी को किस में मापते हैं हम लोग, मीटर में। इसका मतलब होता है, ये फॉर्मूला है, इस पर आप कोई भी अगर फोकस दूरी दिया हुआ है तो आप लेंस की क्षमता निकाल सकते हैं।